फ्रेश न्यूज की सारी खबरें आप तक। दक्षिण दिल्ली जिला की नारकोटिक्स स्क्वाड ने विदेशी ड्रग पेडलर को किया गिरफ्तार। दक्षिणी दिल्ली जिला के डीसीपी अंकित चौहान ने मीडिया को जानकारी दी। दक्षिण दिल्ली जिला के नारकोटिक्स स्क्वाड की टीम ने एक विदेशी ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान एमए का पुत्र एविक स्थानीय निवासी छतरपुर गांव नई दिल्ली स्थायी निवासी लागोस राज्य नाइजीरिया उम्र 29 वर्ष के रूप में हुई है। आरोपी वर्ष 2018 में मेडिकल वीजा पर भारत आया और ड्रग सप्लायर के साथ जुड़ गया और बाद में ड्रग पेडलर बन गया। आरोपी पहले भी एनडीपीएस एक्ट की धारा के तहत थाना महरौली में एक मामले में शामिल पाया गया है। गिरफ्तार किए गए आरोपों के कब्जे से नारकोटिक स्क्वायर की टीम ने 768 ग्राम बढ़िया क्वालिटी की हशीश और अपराध में इस्तेमाल की गई एक स्कूटी भी बरामद की है। दक्षिण जिले के क्षेत्र में प्रतिबंधित पदार्थ की आपूर्ति के खतरे को रोकने के लिए नारकोटिक स्क्वाड दक्षिण जिले की टीम को निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद एसीपी ऑपरेशंस और नारकोटिक्स प्रभारी मनीष चौधरी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें एसआई सोनू कुमार झा, एसआई गौरव, एसआई राम प्रताप, एसआई प्रकाश, हेड कांस्टेबल संजय, हेड कांस्टेबल परवीन टोकस, हेड कांस्टेबल अर्जुन और कांस्टेबल छोटू राम को शामिल किया गया। टीम ने स्थानीय मुख्य वीरों को संवेदनशील बनाकर कई अहम सुराग निकले। टीम की सफलता तब रंग लाई जब हेड कांस्टेबल प्रवीण टोकस को एक गुप्त सूचना मिली कि एक ड्रग पेडलर प्रतिबंधित पदार्थ की आपूर्ति करने के लिए स्कूटी पर पीवीआर कट प्रेस एनक्लेव रोड के पास आएगा। जानकारी को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साझा किया गया, सूचना को और विकसित किया गया और बताए गए पते पर स्थानीय जाँच की गयी। इनपुट के अनुसार टीम ने पीवीआर कट प्रेस एनक्लेव रोड के पास जाल बिछाया। कुछ समय बाद एक व्यक्ति संदिग्ध स्थिति में स्कूटी पर आता हुआ दिखा। मुखबिर के इशारे पर उसे रुकने का इशारा किया, लेकिन पुलिस की मौजूदगी को देखते हुए उसने अपनी गति बढ़ा दी और मौके से भागने लगा। हालांकि सतर्क पुलिस कर्मियों ने उसे पकड़ लिया। बाद में उसकी पहचान एमेका एक नाइजीरिया नागरिक के रूप में हुई। उसके कब्जे से 768 ग्राम हशीश बरामद की गई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर दिया गया।